करोड़ों से एक जगह लगा के। ठीक है, इसमें कितना बजट सैंक्शन हुआ अभी? स्वागत, बजट कितना है अभी डायरेक्ट के काम के? ऐसे बजट कितना है बोलते? अरे आप क्यों नहीं मालूम? अप्रोक्सीमेटली तो मालूम होगा ना कितना बजट सैंक्शन हुआ। आप लेबर को रख रहे हैं, सुपरवाइजर है आपका, तो कितना बजट सैंक्शन हुआ, कितने लेबर है वो तो बोल सकते ना। बात नहीं समझ रहे मेरी, ये काम बोलते मैंने कहा दस काम पूरा बोलोगे आप? दस काम हो गया सब, ये तो डायरी का भी तो काम है ना। आपके नाम पे पर टेंडर पास हुआ सुबह हुआ, फिर आप लोग करा रहे हैं खड़े रह के काम, तो बजट कितना सैंक्शन हुआ, लेबर कितने लग रहे हैं वो तो मालूम रहता है ना आप लोग? हमारे भाई को मालूम रहता है, सिस्टम जो है ना हमारे, उनको मालूम रहता है। डायरी का काम कैसे आपके नाम पे हुआ ना? आपके नाम पे हुआ या और किसी के नाम पे हुआ? ये पूरी ये रोड जो है बाजाबता पहले साइकिल मोटरसाइकिल लेके अंदर तक आ सकते थे। ये खबरा जो है 250-300 खबरा एक महीने में बने, वो पूरे यहीं लाके दफन कर दिया। अब रास्ता बंद हो गया तो दायरे में बिल्कुल जगह खत्म हो गई। दायरे में जगह नहीं है, जो भी हुआ अच्छा हुआ, अच्छा ही हुआ। खैर जगह नहीं थी, निकाल लिया वहाँ जगह। ये पूरी यहाँ पर दीवार आ रही, देखिए हमारे नियर भाई। हाँ ये पूरी ये दीवार आ रही है बाउंड्री वाल, ये कंप्लीट बाउंड्री वाल आने वाली है ऐसा। ये राइट्स का जगह छोड़ दी आने जाने रास्ता, तो रास्ते तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये यहाँ तक आके यहाँ से ये जो हिस्सा दिख रहा है आपको यहाँ से क्लोज हो जाएंगे। ये दोनों जो बड़े मकबरे दिख रहे हैं वो दायरे के अंदर ही से रहेंगे भी, ये पैक हो जाएंगे यहाँ से। अब गेट यहाँ पड़ेंगे? गेट नहीं पड़ेंगे, ये पूरा पैक हो जाएगा, ये दीवार उठ जाएगी। अच्छा अच्छा, दीवार उठा देंगे यहाँ से रास्ता जो जा रहे हैं ना, ये रास्ता नहीं है, ये दहरा है। आप जो ठहरे हुए पूरा दहरा है, तो यहाँ पर जो है खबरा बनानी है, खबरा ये खबरा बनाने की जगह है पूरी। यहाँ पर कचरा पट्टी पड़ा हुआ था, यहाँ पर साफ सफाई करवाए। एक खबर नहीं थी, ये पूरे नए खबरा बने से जितने देख रहे हैं आप, 40-50 खबरें हैं या बढ़ गए हो गए, ये पूरे नए खबरें हैं, पूरे नए हैं। अब ये भी जगह निकाल रहे हैं यहाँ पर भी जो है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इधर भी अपने लिए रहेंगे भी पूरे। अब वो दीवार दिख रही है आपको, ये दीवार ऐसा ही देखिए वहाँ से, ये नई दीवार बनी इसमें, वो दीवार यहाँ से कंटिन्यू होते हुए ये ऐसा आएंगी दीवार, ये दीवार भी इधर से आएंगी। गेट इधर, गेट इधर बीच में रहेंगे, यहाँ से जाने के लिए अंदर दायरे के अंदर रास्ता, ये गेट है देखिए, ये दीवार यहाँ से क्लोज। ये पूरा वहाँ से भी क्लोज, ये ले लेंगे आप पूरा, ये खबरों का हिस्सा है, पूरा खबरों के लिए लिख लीजिए समझिए। दो तरफ से बंद रास्ता ही बंद और अस्सलाम वालेकुम। दायरा हज़रत मीर मोमिन अस्तराबादी साहब सुल्तान शाही, इसकी मैनेजिंग कमेटी का मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। मेरा नाम ज़ीशान अब्बास है, और हर साल की तरह इस साल भी जो है दायरा हज़रत मीर मोमिन में शब बारात की तैयारियाँ ज़ोरों शोर से चल रही हैं, जिसके तहत में साफ़ सफाई का काम चल रहा है, और कलर आशुखाने के पर कलर और चुनने का काम जो दीवारों के पर होता है वो भी काम चल रहा है। तो मैं तमाम मोमिनीन जो अपने उर्सा की खबरों पे आते हैं, तो मैं उनसे गुजारिश ये करता हूँ कि थोड़ा साफ़ सफाई का ख्याल रखें, क्योंकि कचरा जो है बढ़ते बढ़ते ही बढ़ जाता है। अपने साथ कुछ प्लास्टिक के थैलियाँ वगैरह लेके आते हैं, तो वहाँ पर डस्टबिन्स दायरा कमेटी की तरफ से जगह जगह लगाई गई हैं, उसमें अपना कुछ कचरा है तो उसमें फीका करें, और अपने ख़ुद खबरों के आसपास कुछ सफाई करना है तो ख़ुद अपने से भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से दायरे का जो है हम अगर मेंटेनेंस अच्छी तरीके से करें तो ये बहुत अच्छा, क्योंकि पाकिजगी आधा ईमान है, तो साफ़ सफाई से रखना तो हमारा फ़र्ज़ है। तो हम चाहिए हमारे कि पूरे जो है खबरस्तान के ख्याल रखें, सिर्फ आप अपने उर्सा के खबरों के पास भी अगर साफ सफाई कर लें और जो कचरा है वो ना फेंकें, और जो डस्टबिन है वो डस्टबिन में डालें, तो ही काफ़ी साफ़ सफाई हो जाएगी। तो हर साल की तरह इस साल भी इंशाल्लाह 14 शाबान पूरे जोश व खरोश से मनाई जाएगी। अपने उर्सा के खबरों पे आइए, फातिहा खानी करिए, और इस साल
हर साल की तरह इस साल भी हमारे पास जश्न होता है, सलामती इमाम ज़माना होती है और उसी के साथ नज़र भी दी जाती है। तो उसमें भी शिरकत करें, जश्न में भी शिरकत करें आप लोग, और हमारे काम जो जो भी है इसके अंदर ये भी आप लोग अपनी आँखों से देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जी साहब, ईशान भाई ये जो कमान का जो मदम हो गई वो कभी भी गिर सकती है, इस तालुक से आप कभी नुमाइंदगी वगैरह की है? जी हाँ, 2014 में ये कमेटी जो है तश्कील दी गई थी वक्फ बोर्ड के, जिस वक्त से हम ये काम लिए हैं इसमें सिर्फ कमान नहीं, दो चार काम ऐसे हैं जो शुरू से वक्फ बोर्ड से हम लोग नुमाइंदगी करते रहे हैं, गवर्नमेंट से भी नुमाइंदगी करते रहे हैं, क्योंकि ये कमान जो है हेरिटेज में है, उसके होने से जो है इसका जो मेंटेनेंस है वो ख़ास तौर पे कमेटी के ज़िम्मे नहीं आता है, क्योंकि हुकूमत इसको देखना है हेरिटेज के अंडर में आने की वजह से। तो हम लोग इसकी रिक्वेस्ट करें हैं गवर्नमेंट से और वक्फ बोर्ड से कि इसको जो है जल्द से जल्द इसकी तामीर की जाए, क्योंकि लास्ट टाइम आप देखें बारिश वगैरह इतनी हुई थी और बारिश की वजह से वो कमान कभी भी जो है मुंदहम हो सकती, गिर जा सकती। तो इसकी पेश नज़र हम लोग ने 14-15 कम से कम अब तक लेटर्स हैं जो कोर्ट को हम लोग दे चुके हैं, जिसके आपको पूरे अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक्नॉलेजमेंट्स भी दिखा सकता हूँ। जो हाल ही में बीते जो कब्जेदार जो है उन लोग को बता रहे थे कि वहाँ पर ड्रेनेज लाइन वगैरह का जो प्रॉब्लम आ रहा, वो कब्जेदारों के ताल्लुक से कभी आप कोर्ट में रुजू हुए? आप लोगों को मालूम है दायरा हज़रत मीर मोमिन 20 एकड़ के ऊपर मबनी है, 20 एकड़ ये जो है जब इसकी जो मन वो है इसका जो रिकॉर्ड है उसमें 20 एकड़ ज़मीन थी। आज अगर से आप इसका मेजरमेंट जो डिजिटल सर्वे कमेटी करवाई है उसमें मालूम हुआ है कि 12 एकड़ चिल्लर घुंटे कुछ बाकी हैं, इसका मतलब इंक्रोचमेंट्स यहाँ पर काफ़ी हुए हैं, अब से नहीं काफ़ी सालों से, 50-50 साल से भी लोग यहाँ पर कब्जे में अपने घर वगैरह बना करके पक्के बना के रहे हैं। जहाँ पर जो ड्रेनेज लाइन बो रहे हैं वो ड्रेनेज लाइन तो कब्रिस्तान में होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि कब्रिस्तान में ड्रेनेज लाइन का कोई काम ही नहीं है। जब आप ड्रेनेज लाइन बनाने जा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो जो आप कब्जे में हैं उसकी पक्की करने की कोशिश में वहाँ पर ड्रेनेज लाइन भी बना लेना। तो दायरा हज़रत मीर मोमिन में कोई ड्रेनेज लाइन का तस्वुर ही नहीं है, ना होना चाहिए। जो लोग यहाँ पर अपना कब्जे में हैं जिसके प्रॉपर्टी नहीं है और वो दायरा हज़रत मीर मोमिन की प्रॉपर्टी है, उनको चाहिए कि ये वक्फ प्रॉपर्टी है। अगर आप 50 साल से अगर वो घरों में रह रहे हैं तो ये समझिए कि ये वक्फ हैं, आप उसका किराया जो है वक्फ बोर्ड को देते हैं, आप उसका जो है ड्रेनेज इस तरफ नहीं लाना, आप हो सका तो उसको रोड के तरफ लेके जाइए, क्योंकि खबरों के पास जहाँ पर करबला से मिट्टी मंगा के डाली गई है वहाँ पर अगर आप ड्रेनेज लाइन अगर से खींचने की बात करें तो ये काबिले मजम्मत बात है, ये होना नहीं चाहिए। कौम भी जो है इसकी कोई इजाज़त नहीं थी, कमेटी तो सवाल ही नहीं पैदा था, इसके लिए हम लोग रोके और वहाँ पर जो है अल्हम्दुलिल्लाह बैरिस्टर के फ़ोन के बाद, बैरिस्टर असदुद्दीन साहब के फ़ोन के बाद वहाँ पर का काम फौरी जो है रोक दिया गया और जो पाइप लाइन डाली गई वो सब निकाल दिए। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो इस वक्त कोई ड्रेनेज वहाँ पर नहीं है। हमारी गुजारिश ये भी है कि हम 2014 से अभी तक जो है काफ़ी वक्त जो है इसका मुतालबा करें हैं कि यहाँ की बाउंड्री वॉल जो ख़ास तौर पे साउथ ईस्ट साइड पे बाउंड्री वॉल है वो बाउंड्री वॉल बनाई जाए और गेट्स लगा दिए जाएँ, यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी जितनी कम होंगी तो वहाँ पर उसका मेंटेनेंस हो सकता है। यहाँ चौथ तरफ से अगर लोग आते रहेंगे तो उसका मेंटेनेंस का प्रॉब्लम होता है, ये आमतौर पर ये बात समझने की है कि इसको जो है एक्सेसिबिलिटी कम की जाए, आजू बाजू के लोगों को जो है अंदर आने नहीं जाए तो कचरा भी कम पड़ेगा और आप जो है दीवारें जब उठ जाएंगी तो आपको ये हद उसकी एक फिक्स हो जाएंगी, अगर आपकी हद नहीं मालूम रहेंगी तो ये कब्जे आज भी होते रहेंगे आइंदा भी होते ही रहेंगे। तो हमारी गुजारिश थी गवर्नमेंट से, अल्हम्दुलिल्लाह अब ये जो है बाउंड्री का वॉल शुरू काम शुरू हो गया है, उसका सैंक्शन भी हुआ है, काम चल रहा है, इंशाल्लाह जल्द से जल्द वो कंप्लीट भी हो जाएगा। बाउंड्री वॉल उठने के बाद गेट्स लगवाए जाएंगे? जी बिल्कुल, गेट्स लगाने वाले हैं, इसके अंदर कदीम गेट्स जो है 4 हैं तो एक गेट इसको अंदर इजाफा करते हुए 5 गेट कर दे रहे हैं, 5 गेट रहेंगे इसके अंदर।